बोलिए। अब ये आज का बंदी जो रहा है कैसा रहा है आप लोगों का? देखिए आज मधेपुरा का चप्पा चप्पा बंद रहा, सारी दुकानें बंद रही, तमाम बस ट्रक टेम्पू रिक्शा बंद रहा, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय प्रभावित हुए। यह बंद ऐतिहासिक बंद रहा। आपको मालूम है कि देश के अंदर डीजल पेट्रोल एवं रसोई गैस की लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है। आम जनता परेशान है, त्रस्त है और खास करके गरीब और मध्यम वर्ग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए लोगों में आक्रोश था, जनाक्रोश था, वह आक्रोश का इजहार लोग सड़क पर किए हैं। आज पूरा देश बंद रहा है, ऐतिहासिक बंद रहा है। यह भारत बंद एक अंगराई है, एक संकेत है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कि वह जन विरोधी कदम से वापस हटे। जो पेट्रोलियम पदार्थों में उन्होंने मूल्य वृद्धि किया है वह वापस ले, भ्रष्टाचार पर रोक लगावे, अन्यथा 2019 में हिंदुस्तान की जनता सात समुंदर पार फेंक देगा, केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा और देश में जनधन हितैषी, किसान हितैषी, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी जनवादी सरकार बनेगा जो जनता के हितों में काम करेगी। प्रमोद प्रभाकर, संयोजक, विपक्षी समन्वय सह संघर्ष समिति, CPI नेता। बताइए कैसा समर्थन ला हम लोगों का आपकी बंदी? हमारे विपक्षियों द्वारा जो भाग बंद हुई है जिसमें अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है और ये संकेत मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री 2019 में आने वाले नहीं हैं। जब से ये सरकार आई है भाजपा की, तब से चाहे जिस राज्य में इनकी सरकार हो, भ्रष्टाचार पर नींव इसकी बनी हुई है और सारे क्षेत्र में, चाहे विदेश का पॉलिटिक्स हो, चाहे देश का पॉलिटिक्स हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेल है और इनके सरकार में चारों तरफ जातीय उन्माद फैल गया है। और मैं भर्त्सना करता हूँ और देव किशोर यादव जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का। बताइए किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने बंदी किया, बंदी का क्या असर है? बंदी 100% सक्सेसफुल रहा यहाँ पर और कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर 20-21 पार्टियों ने इसको समर्थन दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और यह एक विपक्षी एकता का प्रदर्शन भी उसको कहा जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और मोदी सरकार में जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बढ़ रहा है, इसमें हर आम आदमी, किसान आदमी, हर व्यक्ति परेशान दिख रहा है और इसी पर था। दूसरी मैटर हम लोगों का था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, राफेल लड़ाकू विमान जो घोटाला हुआ है जिसको न रक्षा मंत्री बता पा रही है, न विदेश मंत्री बता पा रही है, न मोदी जी बता पा रहे हैं। संसद में उतना हंगामा हुआ लेकिन वो आज तक इस पर एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों का है कि इसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए। सतेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधेपुरा। ये प्रभारी मैं हूँ इस जिला का, बिहार प्रदेश। हाँ बताइए। राफेल की जो बात है वो सारी दुनिया को पता है, जो 516 करोड़ से 526 करोड़ में कांग्रेस के रिज में था और वो 1600 समथिंग करोड़ का अभी आ गया। जो आदमी को विमान बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है, अनिल अंबानी को, अन्य कोई उसकी कंपनी है, 10 दिन पहले कंपनी बनती है और उनको वो ठेका दे दिया जाता है 36 राफेल बनाने का। उससे भी बड़ी बात जो यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, डिफेंस का बनाने का उपक्रम है, कहीं भी लोगों ने किसी से संपर्क नहीं किया, अदना सा प्राइवेट आदमी जिसको कोई तजुर्बा नहीं है। यही बात है, हम लोगों का कहना है राफेल सौदे के लिए JPC का गठन हम लोगों की मांग है और उसमें प्रधानमंत्री अपने सारे कागजात के साथ वहां पटल पर रखें और यही हम लोगों की मांग है। इसीलिए हम लोगों ने भारत बंद में और ये राफेल की बात को उजागर किया है। दूसरी बात, पेट्रोल, डीजल और सारा जितना मूल्य है उपभोक्ता का, सारा कुछ जो है मूल्य वृद्धि आसमान को छू रहा है और लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लंबी लंबी बातों में ये सरकार विश्वास करती है, जनता से दूर होती जा रही है। गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल, डीजल, सब्जी भाजी, दलहन, जितना भी अनाज, सब गरीब त्राहिमाम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है,
इसलिए आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से भी गुजारिश है कि आप लोग इस बात को रखें। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार झा अनीश, मैं प्रभारी हूँ मधेपुरा जिला कांग्रेस कमेटी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और मधेपुरा संसदीय क्षेत्र का भी मैं प्रभारी हूँ।